दोस्तों बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार है दिशा पटानी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बता दें कि दिशा पटानी अब 30 साल की हो चुकी है। 13 जून 1992 को बरेली में जन्मी दिशा पटानी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2015 में आई तेलुगु फिल्म लोफर से की थी और उसके अगले साल ही उन्हें MS धोनी की बायोपिक पर बनी फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में काम करने का मौका मिला। वहीं दिशा पटानी का नाम टाइगर श्रॉफ के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ है। वैसे तो ये काफ़ी कम लोगों को पता है कि दिशा पटानी अपने शुरुआती दिनों में एक्टर पार्थ समथान के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है, लेकिन इनका ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका। ये बात दिशा पटानी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताई थी। बता दें कि दिशा पटानी और पार्थ समथान कसौटी जिंदगी के सीजन 2 में एक दूसरे के साथ नजर आ चुके हैं। एक समय ऐसा था जब दिशा पटानी और पार्थ समथान ने एक दूसरे को डेट किया था। इसी दौरान दोनों ने फ्रेश फेस हैंड कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था। यहीं से दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई थी। ये कंटेस्टेंट जीतने के बाद दिशा पटानी बहुत ही खुश हो गई थी। इसका हिस्सा पार्थ भी थे। यहीं से दोनों के बीच नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। लगभग 3 सालों तक पार्थ और दिशा ने एक दूसरे को डेट किया। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दोनों को पार्टीज का बहुत शौक था। फिर अचानक से इनके बीच में दरार आना शुरू हो गई। उसके बाद इनका ब्रेकअप हो गया। आखिर ब्रेकअप क्यों हुआ उसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पता चला था कि पार्थ दिशा को चीट कर रहे थे। दिशा ने कई बार पार्थ को दूसरी लड़कियों के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। इसके बाद उन्होंने रिलेशन को यहीं खत्म करने में अपनी भलाई समझी। इसके अलावा विकास गुप्ता और पार्थ समथान को लेकर भी खबरें आ रही थी कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। और जैसे ही दिशा को ये बात पता चली तो उन्होंने खुद को पार्थ से अलग कर लिया। ब्रेकअप के बाद दिशा पटानी काफ़ी दुखी हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सारी बातें भुलाकर अपने करियर पर फोकस किया। बताया जाता है कि पार्थ से ब्रेकअप होने के बाद दिशा की जिंदगी में टाइगर श्रॉफ की एंट्री हुई थी। दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इन दोनों ने अपने रिश्ते को ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो दोस्तों इस बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।